हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। तो बच्चों, हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग थ्री हम आपका पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, लेसन नंबर 16 हमने आपका कंप्लीट किया है। आज हम इसके टिक क्रॉस करेंगे। हमने इसको रीडिंग किया अच्छे से, हमने इसको पढ़ा, आपको समझाया कि व्यापारी का बेटा और तराजू, ये हमने आपको समझाया कि किसी नगर में, किसी शहर में कौन रहता था, एक व्यापारी, उसका नाम धनीराम था। उसको कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो है व्यापार में नुकसान हो रहा था, तो उसने सोचा कि मैं किसी दूसरे शहर में जाके अपनी किस्मत आजमाऊंगा। तो वो जाने से पहले अपने फ्रेंड के पास जाता है, मंगेराम के पास, वहां अपनी चांदी की तराजू उसके पास रख के चला जाता है। कुछ महीनों के बाद जब वो वापस लौटता है तो अपने फ्रेंड के पास जाता है और कहता है, भाई मेरी तराजू मुझे वापस दे दो। तो दोस्त क्या कहता है कि उसकी तराजू कौन खा गया बच्चों? चूहे खा गए। तो धनीराम को समझ में आ गया कि उसका फ्रेंड जो है उसको धोखा दे रहा है, उसके मन में जो है बेईमानी आ गई। लेकिन वो सीधे सीधे नहीं कह पाता था कि एकदम किसी को हम बेइज्जत नहीं कर सकते, किसी के सामने हम सीधे सीधे किसी को ये बात नहीं कह सकते ना। तो उसको एक आइडिया आया। उसने क्या किया धनीराम से, उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा ले इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, ऐसा करो तुम अपने बेटे को मेरे साथ हेल्प करने के लिए भेज दो। उसने कहा ठीक है ले जाओ। तो लड़का सामान उठा के धनीराम के साथ चलता है। तो रास्ते में उनको एक गुफा, एक केव दिखती है। तो गुफा के अंदर चल के देखते हैं, धनीराम ने उस लड़के से कहा। तो वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर जाते हैं तो क्या हुआ, अंदर जाके धनीराम ने लड़के को वहीं छोड़ दिया और खुद झट से बाहर आ गया। फिर क्या था, एक बड़ा सा पत्थर जो उसने गुफा के दरवाजे पर रख दिया और वहां से मंगेराम के पास वापस आ गया। और जाते जाते बोलते हुए गया, बच्चों अब यहीं रहो। धनीराम को अकेला आते देख मंगेराम ने पूछा, भाई मेरा बेटा कहाँ है? तब धनीराम कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस है, तुम्हारे बेटे को कौन ले गया? चिड़िया। मंगेराम बोलते, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो, नहीं मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। उसने कहा ठीक है राजा के पास ले जाओ। फिर दोनों जो है राजा के पास जाते हैं। तो राजा से कहते हैं कि राजा जी इसने मेरा बेटा चुरा लिया, मुझे इंसाफ चाहिए। मंगेराम कहता है, तो धनीराम, राजा कहता है, धनीराम मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसका बेटा इसे लौटा दो। तभी धनीराम कहते हैं, महाराज जब उसे चिड़िया ले गई तो मैं कहाँ से वापस लाऊं? धनीराम झूठ बोल रहा है, मंगेराम बोलता है। फिर धनीराम ने राजा को राजा को बताया कि जब चूहे जो है चांदी का तराजू खा सकते हैं, तो चिड़िया जो है वो बच्चे को क्यों नहीं उठा ले जा सकती। उसी टाइम धनीराम कहता है, तुम पहेलियां मत बोलो, सब सब कहो क्या कहना। हाँ हाँ अच्छा, तो ये बात सबकी बात समझ में आ जाती है। तो धनीराम ने सारा मामला जो है राजा को समझा दिया, राजा को समझ में आ गया। उसने जो है राजा को ये भी पता चल गया कि धनीराम ने मंगेराम के बेटे को जो बुरी नीयत से नहीं छुपाया होगा। उसने मंगेराम को हुक्म दिया राजा जी ने कि धनीराम तुम जो है मंगेराम का तराजू वापस दे दो, वो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस दे देगा। तो धनी मंगेराम जो है अपने लालच पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो बच्चों के शब्दार्थ भी हमने किए, फिलिंग इन द ब्लैंक भी किए, आज हम करेंगे इसके टिक क्रॉस थर्ड। सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो जो सही है उस पर सही, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाइए। तो का दूसरे नगर में जाने से पहले धनीराम अपने भाई के पास गया। दूसरे शहर में जाने से पहले क्या धनीराम अपने भाई के पास गया था? नहीं गया था। तो ये गलत है, धनीराम जो है अपने फ्रेंड मंगेराम के पास गया था। खा धनीराम के मित्र ने उसका तराजू लौटा दिया था। धनीराम का जो फ्रेंड था मंगेराम, क्या उसने उसका तराजू से वापस लौटा दिया था? तो नहीं लौटाया था। घा राजा ने धनीराम को उसका बेटा लौटा देने की आज्ञा दी। राजा ने धनीराम को उसका बेटा वापस देने की आज्ञा दी, तो ये बिल्कुल सही है। तो घा धनीराम ने राजा को सारा मामला समझाया, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि धनीराम ने सारा मैटर उसको समझा के उसके बाद जो है उसको उसकी तराजू मिल गया, उसको उसका बेटा। डा राजा ने तराजू लौटाने पर लड़के को वापस कर देने का फैसला सुनाया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा सही। तो बच्चों इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे कर लेना, याद भी कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है भाषा ज्ञान, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे। जो यहाँ पे समानार्थी शब्द कहते हैं बच्चों, जिनका अर्थ बिल्कुल सेम होता है, यानी कि सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, तो इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों यहाँ पे पहला है का मित्र। मित्र को हम क्या कहते हैं? सखा भी कहते हैं और दोस्त भी कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दोस्त लिखा है। उसके बाद खा, दोष यानी कि कसूर, कोई कसूर करता है ना तो उसे कहते हैं दोष यानी कि कसूर। उसके बाद घा पुत्र यानी कि सन, बेटा।
उसके बाद है घ आज्ञा, आज्ञा मीन्स इजाजत देना। ड नगर यानी कि शहर। उसके बाद मदद, मदद मीन्स सहायता करना। तो बच्चों इसको आप सिर्फ अपनी बुक पे भरना है और ये जो फिलिंग इन टिक क्रॉस है इसको आपको अपनी कॉपी पे करना है। तो बच्चों थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रख।